इन लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट वेरियस इनकारनेशंस, भगवान के जो अलग अलग अवतार जो बताए थे सूत गोस्वामी ने, लगभग राउंड अबाउट 22 इनकारनेशंस डिस्क्राइब करते हैं। और ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है पूरा इनकारनेशन का जो इसमें बताए हैं, मोस्टली लीला अवतार ही डिस्क्राइब किया, और भगवान के बहुत सारे अवतार हैं इसके अंदर, अनलिमिटेड अवतार हैं। और उन सभी अवतारों का एकदम हम आज डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। आज का जो सेशन होगा बहुत बहुत टेक्निकल सेशन होगा, कई चीजें आपको शायद समझ में ना आए, पर आप दो तीन बार जब उसे पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ये मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, क्योंकि मैंने ये सेक्शंस काफी बार पढ़ा है तब मुझे जाके समझ में आया जो आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए चिंता मत कीजिएगा अगर आपको आज का सेशन ज्यादा समझ में नहीं आए, पर आप उसको दो तीन बार पढ़ेंगे तो और डिटेल समझ में आएगा। जो हम आज डिस्कस करेंगे श्रीमद् भागवतम से नहीं करेंगे आज, बट हम लोग चेतना चैतामृत से भी डिस्कस करेंगे। चेतना चैतामृत एक एडवांस ग्रंथ है जो श्रीमद् भागवतम के बाद हमें पढ़ना चाहिए, इट इज अ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी ऐसा कहा जाता है। तो उस चेतना चैतामृत से मैं कुछ सेक्शंस मैंने उठाए हैं ताकि हम इस सब्जेक्ट मैटर जो अभी हम करंटली जहाँ पर हम हैं उसको कनेक्ट कर सके। और चेतना चैतामृत के अंदर काफी विस्तार से इन डिटेल कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने एक्सप्लेन किए हैं अवतार की कैटेगरीज। चैतन्य महाप्रभु ने ये सारा डिटेल नॉलेज सनातन गोस्वामी को दिया था, और सनातन गोस्वामी को एकदम विस्तार से पूरा चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज के, भगवान के एक्सेक्ट कैसे अवतार होते हैं, किस तरह से अलग अलग इंकारनेशन होते हैं, तो हम वो आज थोड़ा स्टडी करेंगे। सो कुछ स्लाइड्स भी है मेरे पास, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड्स भी कुछ शेयर करूंगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो हम लोग 26 श्लोका से कंटिन्यू करते हैं। यस, तो टेक्स्ट 25 तक हमने देखा था कि कल्कि अवतार का डिस्क्रिप्शन आता है 25 श्लोका के अंदर, और इतना समझाने के बाद अभी आगे जस्ट ब्रीफ में बोल रहे हैं सूत गोस्वामी कि अवताराय असंख्येय हरेर सत्व निधिर द्विजा यथा विधासी नकुलया सरस स्यु सहस्रश। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य है जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो एंड में यू नो सूत गोस्वामी यही बोलते हैं सारे अवतार डिस्क्राइब करने के बाद, चेयर ले सकते हैं आप, ठंडा यस। तो ये समझाते हैं कि भगवान के कोई भी ये ले लो ये वाला, तो भगवान के अवतार जो है अनलिमिटेड है ना, अवतार या असंख्य पहला लाइन है श्लोक का, देखिए जो अवतार है वो असंख्य है भगवान के। हम ऐसे कैटेगराइज नहीं कर सकते कि ये 22 लिस्ट जो हमने कल लास्ट टाइम देखा उतने ही अवतार है, नहीं, अनलिमिटेड अवतार है। तो अनलिमिटेड अवतार हम डिस्क्राइब नहीं करते, एक ही शास्त्र के अंदर हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, दे आर अनलिमिटेड इनकारनेशंस। अवतार या असंख्य हरेर सत्व निधिर द्विजा, हरेर सत्व निधि मतलब ओशन, सत्व निधि मतलब हरेर मतलब भगवान जो है वो गुडनेस के सागर है, हरेर सत्व निधिर द्विजा यथा अविधासीन कुलिया। तो कुलिया शब्द मतलब क्या, कुलिया को हिंदी में बोलते हैं नाले, इंग्लिश में बोलते हैं रिव्यूलेट्स, जो पानी के छोटे छोटे नाले निकलते हैं, जैसे कि एक बहुत
पानी का कोई सोर्स है फॉर एग्जांपल, और उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे रिवुलेट्स नालियां निकलती है उसमें से बहुत, अगर पानी इनएग्जॉस्टिबल है तो उधर से जो भी पानी निकलेंगे वो भी इनएग्जॉस्टिबल होंगे। जैसे जितने ऐसे रिवुलेट्स निकलते हैं, मतलब सपोज भगवान कृष्ण वो एक भगवान है, उसमें से सारे अलग अलग अवतार निकलते हैं, वो इस रिवुलेट्स के समान है, कुलिया के समान है। सो ऐसे जो भगवान के जो इंकारनेशन है वो असंख्य है और इनएग्जॉस्टिबल है। असंख्य और अक्षय, अक्षय मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता, तो इनएग्जॉस्टिबल उसको बोला जाता है। और असंख्य मतलब अनलिमिटेड ऐसे अवतार है भगवान के, इसका कोई काउंटिंग नहीं किया जा सकता। कृष्णा और चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वो सोर्स है सभी अवतार के। कृष्णा एंड चैतन्य महाप्रभु आर ओरिजिनल दैट सुप्रीम कृष्णा, वो अवतार की कैटेगरी में नहीं आते। चैतन्य महाप्रभु वो सोर्स है सारे अवतार, उसमें से सारे रिवुलेट्स निकलते हैं ऐसा हम समझ सकते हैं। और प्रहलाद महाराज कहते हैं इस प्रभुपाद परपोट में उनकी प्रार्थना को कोट करते हैं कि हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितना कि जलचर वनस्पतियां सरीसृप पक्षी जंतु मनुष्य देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में भक्त के वेश में, मतलब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे इंडिकेशन है। सो कहने का मतलब ये है कि भगवान जो है दूसरे स्पीसीज में भी अवतार लेते हैं, मछली के स्पीसीज में भी अवतार लेते हैं, कछुए के स्पीसीज में भी अवतार लेते हैं, पक्षी के स्पीसीज में भी अवतार लेते हैं, देवताओं के स्पीसीज में भी अवतार लेते हैं। अलग अलग जीव जंतु स्पीसीज, सिर्फ ह्यूमन स्पीसीज में अवतार नहीं लेते हैं, सभी स्पीसीज में अवतार लेते हैं। तो ऐसे अनलिमिटेड भगवान के अवतार है। सो भगवान इतने सारे अवतार क्यों लेते हैं, उसके कई सारे रीजंस हैं, बहुत सारे रीजंस है। बहुत सारे आचार्यों ने इनकी कमेंट्री है कि भगवान को इतने सारे अवतार लेने की क्या आवश्यकता है। पहला रीजन तो ये है कि हम जैसे कंडीशन सोल्स को ये कन्विंस करने के लिए कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और आत्मा जो है यानी जीव जो है उसका केवल एक ही कार्य है भगवान को, इसे भगवान की सेवा करना, भगवान को संतुष्ट करना। सो ये सारे इनकार्नेशंस की लिस्ट और अभी जो हम आज टेक्निकल डिस्कशन करेंगे उससे हम जैसे भद्र जीवात्माओं को ये कन्विक्शन मिलता है कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और हम उस कृष्णा के पार्ट एंड पार्सल है, उन कृष्णा के अंश है। तो इसलिए हमारे अंदर एक कन्विक्शन आता है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। सो एक रीजन ये है। दूसरा रीजन हमारे आचार्य बताते हैं कि कंडीशन सोल को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, भगवान अवतार होते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं और सभी अवतार में अलग अलग पास टाइम्स करते हैं, और वो अलग अलग पास टाइम्स से जब वो जीवात्मा सुनती है किसी भक्तों से तो वो भगवान के प्रति अट्रैक्ट होती है। तीसरा रीजन, भगवान खुद गीता में बोलते हैं कि यदा यदा ही धर्म से अग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब अधर्म बढ़ते जाते हैं और धर्म का नाश होता है तब तब मैं उसका अवतार लेता हूँ, तब मैं अवतार लेता हूँ। चौथा रीजन एक ये भी है कि हर एक पर्टिकुलर अवतार का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है कि ये अवतार इस कार्य करने के लिए जन्म लिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल परशुराम अवतार है तो वो क्षत्रियो का नाश करने के लिए उन्होंने जन्म लिया है। फिर जैसे शक्तियावेश अवतार में जैसे फॉर एग्जाम्पल नारद मुनि है तो भक्ति का प्रचार करने के लिए शक्ति आवेश किए भगवान में नारद मुनि के अंदर। फिर चार कुमार दिव्य ज्ञान को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अवतार लिए हैं। तो हर एक मत्स्य अवतार है
मत्स्य अवतार क्यों लिया? ताकि वेदों को प्रोटेक्ट किया जाए। पृथु महाराज, पृथु अवतार क्यों लिया है? ताकि पृथ्वी का पालन हो सके। तो हर एक एक अवतार का एक स्पेसिफिक फंक्शन है, तो वो फंक्शन को पूरा करने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग रीजन से भगवान के अवतार लेते हैं। तो ये टेक्स्ट 26 में यू नो समझाते हैं प्रभुपाद इसके अंदर। तो टेक्स्ट 27, ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरिर एवा सप्रजापत्य स्मृता। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानों संताने भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो ये एकदम सिंपल छोटा सा ही तात्पर्य है इसके अंदर, जिसमें बताते हैं कि भगवान अवतरित होते हैं तो उनके साथ ये सारे गण भी आते हैं। ऋषि है, मनु है, देवता है, और डिसेंडेंट्स ऑफ मनु मतलब मनु के जो संतानें हैं वो, और ये सब जो है वो भी भगवान के अंश है या उनके अंश के अंश है। भगवान के अंश को बोलते हैं प्लेनरी ये पोर्शन बोलते हैं, और भगवान के अंश को बोलते हैं कला। अंश और कला दो टर्मिनोलॉजी है। अंश मतलब जो भगवान से डायरेक्ट निकला है उसको अंश बोलते हैं, और अंश के एक्सपांशन को कला बोलते हैं। तो अंश और कला दो चीजें, तो पोर्शन और पार्ट ऑफ प्लेनरी पोर्शन, इस तरह से इसको इंग्लिश में बोलते हैं। भगवान भगवान से जो जो निकलता है अवतार उसको अंश बोलते हैं, और अंश में से जो एक और अवतार निकलता है उसको कला बोलते हैं। सो कला और अंश के साथ। सो टेक्स्ट नंबर 28। सो ये 28 नंबर का श्लोक है ना, ये पूरे भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। उन 18,000 श्लोक का राजा ये, ऐसा जीव गोस्वामी बताते हैं हमारे आचार्य। तो ऐसे श्लोक को बोलते हैं परिभाष सूत्र। परिभाष सूत्र वो श्लोक है जिस जो उस पर्टिकुलर स्क्रिप्चर का मेन थीम है, जो जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं परिभाष सूत्र। तो परिभाष सूत्र हर एक एक स्क्रिप्चर के अंदर आपको मिलेगा। भगवत गीता के अंदर भी परिभाष सूत्र है, चैतन्य चरितामृत के अंदर भी परिभाष सूत्र है। तो परिभाष सूत्र एग्जैक्ट मतलब क्या है उसको, ये सारे उस शास्त्र के सारे श्लोकों को गवन करता है। ये मेन वो श्लोक जो है मेन स्टेटमेंट है पूरे श्रीमद् भागवतम का। पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो उस श्लोक से समझाया जाता है, और उसके अलावा जितने दूसरे श्लोक है मतलब 17,999 जितने दूसरे श्लोक हैं वो सारे श्लोक इस तरह से समझाए जाएंगे ताकि ये जो परिभाष सूत्र है उसके सिद्धांत को वो सपोर्ट करे। और अगर कोई श्लोक उसके सिद्धांत को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसको रिजेक्ट किया जाता है, या फिर उसको इस तरह से समझाया जाता है ताकि ये परिभाष सूत्र के स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करे। तो इतना इंपॉर्टेंट वर्स ये 1.3.28। तो सारे श्लोकास ये परिभाष सूत्र से अलाइन होने चाहिए, और ये एक ही बार आता है पूरे स्क्रिप्चर में। भगवत गीता के अंदर एक ही श्लोक होता है जिसको परिभाष सूत्र कहा जाता है, और जनरली वो बिगनिंग में ही बताया जाता है। जैसे अभी श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के तीसरे अध्याय पे ही हम टोटल 335 अध्याय है पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर, 335। तो थर्ड चैप्टर में ये परिभाष सूत्र आता है। जैसे श्रीमद् भागवतम जो है सारे ग्रंथों का राजा है, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम बोलते हैं हम ग्रंथ राज, ऐसे ये परिभाष सूत्र जो है सारे श्लोकों का राजा है। ये बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। जैसे
बड़ी आर्मी होती है उसका एक कमांडर इन चीफ होता है, वो पूरे आर्मी को लीड करता है। तो ये जो श्लोक है 28 नंबर, वो पूरे भागवतम के श्लोक को लीड करता है। सो इसलिए इसका मीनिंग जानने के लिए आप लोग उत्सुक रहेंगे। सो हम इसका उच्चारण करते हैं। एते चांश कला पुंश कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे युगे। तो इसका अनुवाद है, उपर्युक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्णांश के अंश है, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो ये श्लोक में बोलते हैं कि ऊपर के जितने श्लोक जितने अवतार बताए अभी, जैसे हम एक एक संस्कृत का एक एक वर्ड लेते हैं, एते मतलब कि ऊपर जितने हमने इनकार्नेशंस जो डिस्कस किए, कल की बुद्धा और परशुराम, चार कुमार, नारद मुनि, वो सब एते मतलब ये एते च अंश कला पुंसा। सो अंश मतलब जैसे मैंने बताया, अंश मतलब जो भगवान से डायरेक्ट एक्सपांशन है, और कला मतलब उस एक्सपांशन के एक्सपांशन को कला बोलते हैं। सो लिखा है एते चाम अंश। सो अंश में कौन से अवतार आएंगे, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार जो फुल्ली पोटेंट है, और कला मतलब जो उस इन जो कम पोटेंट वाले हैं, जो अवतार के अवतार होते हैं, जैसे चार कुमार हो गए, नारद मुनि हो गए। सो एते चा अंश कला पुंसा, पुंसा मतलब पुरुषावतार। पुरुषावतार में हमने देखा कारण दक्षाय विष्णु, गर्भो दक्षाय विष्णु, शिरो दक्षाय विष्णु। तो बताते हैं एते चा अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, या तू शब्द जो है, तू का मतलब है बट, इंग्लिश में बट बोलते हैं। जैसे कि इसमें ऐसे बोला है कि ऊपर के जितने भी अवतार जो हमने देखे वो अंश है या कला है या पुंसा है या पुरुष अवतार है, पर कृष्णास्तु भगवान स्वयं, पर कृष्णा जो है स्वयं भगवान है, कृष्णा जो है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। तो तू शब्द है और स्वयं शब्द, ये दोनों वर्ड एम्फेसिस करते हैं भगवान शब्द को। स्वयं मतलब भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान है, वो अवतार की कैटेगरी में नहीं आते, ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। नारायण भी भगवान नहीं है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, ऐसा बोला। सो ये श्लोक पे कई सारे आचार्यों ने बहुत सारी टेक्निकल कमेंट्रीज दिए, हम उन टेक्निकलिटीज में नहीं जाएंगे क्योंकि फिर बहुत ही लंबा हो जाता है ये डिस्कशन। सो नटशेल में सिर्फ यही है कि कृष्णा जो है वो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है, और दूसरे जितने भी जो लिस्ट हमने पढ़ी वो सब कृष्णा में से ओरिजिन होते हैं। तो ये है परिभाष सूत्र श्रीमद् भागवतम का, जो ये बताता है कि कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, और कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और जितने दूसरे अवतार है वो सब कृष्णा के एक्सपांशन है या एक्सपांशन के एक्सपांशन है। तो पूरा जितने पूरे श्लोक है श्रीमद् भागवतम के, वो इस श्लोक को प्रूव करते हैं डायरेक्ट वे से या इनडायरेक्ट वे से या जैसे भी। तो अब एक है भगवान श्री कृष्ण, दूसरे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। सो कविराज गोस्वामी चैतन्य चेतामृत में एकदम क्या बोलेंगे, मतलब बहुत इजी वे से प्रूव कर देंगे चैतन्य महाप्रभु कैसे भगवान है। तो वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले वो ये श्लोक को कोट करते हैं, क्या
एतेजाम से कलापुं सा कृष्णास्तु भगवान से श्रीमद् भागवतम से कोट श्लोक करते हैं, फिर एक एक वर्ड का मीनिंग समझाते हैं श्लोक का, और एकदम ग्रामेटिकल संस्कृत ग्रामेटिकल को भी यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ये थोड़ा ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, मैं तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा था, बट हिंदी और गुजराती लैंग्वेज में सब्जेक्ट प्रेडिकेट को क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, बट सब्जेक्ट मतलब जो चीज हमें पता है, प्रेडिकेट जो चीज हमें नहीं पता है। जैसे एग्जाम्पल के दिस डिवोटी इज वेरी नाइस सिंगर, इंग्लिश स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल दिस डिवोटी इज वेरी नाइस सिंगर, सो दिस डिवोटी मतलब मुझे पता है ये डिवोटी है, तो पहले मैं वो लिखूंगा दिस डिवोटी, पर वो सिंगर है वो मुझे नहीं पता है, वो बाद में आएगा वर्ड। तो पहले जो पता है वो स्टेटमेंट होता है, फिर नहीं पता है बाद में वो स्टेटमेंट आता है। सो दिस डिवोटी इज नाइस सिंगर, तो पहले सब्जेक्ट क्या हो गया दिस डिवोटी, और इज अ नाइस सिंगर ये हो गया प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। कृष्णदास देवीराज गोस्वामी कैसे समझाते हैं, जैसे इसमें लिखा है कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कृष्णा इज सब्जेक्ट प्रेडिकेट भगवान स्वयं। सो कृष्णा हमें पता है कृष्ण, बट कृष्णा क्या है भगवान स्वयं, वो प्रेडिकेट। जैसे ये डिवोटी है मैं जानता हूँ ये डिवोटी को, पर ये डिवोटी सिंगर है मुझे नहीं पता है, इसलिए जो नहीं पता है वो मैं बाद में बोलूंगा। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सिंगर इज दिस डिवोटी, के इस ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बट दिस डिवोटी इज अ सिंगर। तो इसलिए कृष्णदास गोविंद गोस्वामी ऐसे अलग अलग टेक्निकलिटीज से श्लोक को एक्सप्लेन करते हैं, और फिर पूरा एक्सप्लेन करके बोलते हैं कि कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और फिर एंड चैप्टर के एंड में लिखते हैं कि वो कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में, दैट्स व्हाई चैतन्य महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। सो इस तरह से कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले वो प्रूव करते हैं कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, और फिर बोलते हैं कृष्णा आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में एट द एंड। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और कृष्णा में कोई डिफरेंस नहीं है, अगर हम डिफरेंस मानते हैं तो वो ऑफेंस माना जाता है। अभी हमें डिफरेंस नहीं करना चाहिए कि ये चैतन्य महाप्रभु तो कोई ऑर्डिनरी डिवोटी होंगे और भगवान जो है कृष्णा ही भगवान है। सो दिस इज ऑफेंस, क्योंकि कृष्णा खुद आते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। एक्चुअली जितने दूसरे अवतार जो आते हैं, जैसे भगवान राम, फिर वामन देव, फिर नरसिंह देव, ये जो अवतार आते हैं भगवान अपने एक एक्सपांशन को भेजते हैं। राम भगवान का एक एक्सपांशन जाता है ऐसा, नरसिंह भगवान एक एक्सपांशन जाते हैं ऐसा, बट चैतन्य महाप्रभु तो कृष्णा एक्सपांशन नहीं भेजते, खुद जाते हैं चैतन्य महाप्रभु, ओरिजिनल कृष्णा खुद जाते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अग्नि ऐसा बोलते हैं। तो राधा कृष्ण सबसे पहले भगवान एक थे, सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड वन, और उसमें से फिर दो बने राधा और कृष्ण, फिर राधा कृष्ण फिर से एक बन गए एस चैतन्य महाप्रभु। इस तरह से ये तत्व ज्ञान है। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। सो जैसे कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन, ऐसे चैतन्य महाप्रभु इज ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑल इनकार्नेशन। चैतन्य महाप्रभु भी सारे अवतार के स्त्रोत है। तो इसलिए ये कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए और इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे सारे स्क्रिप्चर्स ही एक्सप्लेन करते हैं इन चैतन्य चैतन्य ऑल्सो। So, अब बहुत सारे भगवान के अवतार हैं, बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस चैतन्य चैतामृत में आपको मिलेंगे। सो ये स्लाइड है,
ये स्लाइड में आपको पूरा क्लियर होगा पिक्चर कि भगवान के अवतार कैसे, ये चेतना चैतामृत के अंदर मध्य लीला में 20 नंबर का चैप्टर है ये। तो उसमें सनातन गोस्वामी को ये पूरा कंसेप्ट समझाते हैं कि भगवान के इतने सारे अवतार हैं। सो सबसे पहले है जो आप देख रहे हैं इधर, ये स्वयं भगवान श्री कृष्णा। सो ये कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो एक कावर्ड बॉय के फॉर्म में गोलोक वृंदावन में रहते हैं, तो उनको बोलते हैं स्वयं रूप, द ओरिजिनल फॉर्म कृष्णा का, जो गोप बाल के फॉर्म में। सो वो ओरिजिनल है कृष्णा वृंदावन के अंदर। उसमें से दो क्लासिफिकेशन है अवतार, एक है स्वयं प्रकाश, एक है स्वयं रूप। सॉरी, स्वयं रूप मतलब जैसे मैंने बताया कि ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है स्वयं रूप। दूसरा है स्वयं प्रकाश। स्वयं प्रकाश मतलब कि कृष्णा वृंदावन में तो ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं, पर उनके पर्सनल अलग अलग मैनिफेस्टेशन होते हैं, स्वयं प्रकाश बोलते हैं उसको। स्वयं प्रकाश के अंदर दो कैटेगरी आती है, प्राभव प्रकाश और वैभव प्रकाश। प्राभव प्रकाश मतलब क्या कि भगवान के जो इनकारनेशन गोलोक वृंदावन में है वो सेम पोटेंसी के हैं, सेम फॉर्म के हैं, सेम रूप और सेम शक्ति के हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब रास लीला किया भगवान ने, तो जितनी गोपियां थी उतने फॉर्म में कृष्णा ने अपना एक्सपांशन किया, और सारे एक्सपांशन सेम फॉर्म के थे, सेम मूड के थे, सेम पोटेंसी के थे। कितने 10,000 करोड़ गोपियां हैं वो लोग वृंदावन में, तो 10,000 करोड़ कृष्णा एक्सपांड हो गए सभी गोपीज के बीच में। तो इस एक्सपांशन को बोलते हैं प्राभव प्रकाश। एक और एग्जाम्पल, जैसे द्वारका में 16,108 रानियां थी, वो कृष्णा 16,108 फॉर्म में डिवाइड हो गए, एक्सपांड हो गए। तो हर एक एक महल में भगवान कृष्णा अपने एक एक एक्सपांशन भेजते और एक एक रानियों के साथ रहते थे। रात को अलग अलग पांच टाइम करते थे, और फिर जब सुबह उठते थे तो सारे 16,108 कृष्णा घर महल से बाहर निकलते थे और मिक्स हो जाते थे, और एक कृष्ण हो जाते थे, और फिर वो कृष्ण अपने राजमहल में जाते थे और वहां पे रूल करते थे। इस तरह से द्वारका पांच टाइम धोती थी। तो ये एक्सपांशन को बोलते हैं प्राभव प्रकाश, और ये स्वयं प्रकाश की कैटेगरी में आता है। स्वयं प्रकाश की कैटेगरी में आता है। एक कैटेगरी है प्राभव प्रकाश, दूसरा कैटेगरी है वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश मतलब क्या कि कृष्णा का एक ऐसा एक्सपांशन जिसका फॉर्म थोड़ा अलग है, मूड थोड़ा अलग है। जैसे एग्जाम्पल, बलराम जी, कृष्णा ब्लैकिश है, बलराम जी वाइट है। बलराम जी का मूड भी अलग है। बलराम जी का मूड है कृष्णा की सर्विस करना, पर वो कृष्णा का ही एक्सपांशन है। रास लीला में और द्वारका लीला में जो एक्सपांशन हुआ सबका मूड एक ही था कृष्ण का, पर यहाँ पे एक एक्सपांशन है बलराम जी, जिसको बोलते हैं वैभव प्रकाश। सो वो अलग फॉर्म है। तो वैभव प्रकाश, अब वैभव प्रकाश में से एक कैटेगरी निकलती है जिसको बोलते हैं तदेकात्म रूप। तदेकात्म रूप मतलब यही वैभव प्रकाश में ही जिसका फॉर्म और जिसका मूड और इमोशन ओरिजिनल कृष्णा से अलग है, बट शक्ति वाइज दोनों सेम है। कृष्णा और बलराम में शक्ति वाइज कोई डिफरेंस नहीं है। भगवान कृष्णा गोवर्धन उठा सकते हैं तो बलराम जी भी गोवर्धन उठा सकते हैं। भगवान कृष्णा इतने सारे असुर को मार सकते हैं तो बलराम जी भी मार सकते हैं। तो शक्ति वाइज कोई डिफरेंस नहीं है, बट फॉर्म अलग अलग है। बाहर का एक्सटर्नल फॉर्म अलग अलग है, मूड अलग अलग है, पोटेंसी वाइज सेम है।
तो तदेकात्म रूप में फिर दो कैटेगरी आती है, विलास और स्वांश, विलास रूप और स्वांश। विलास रूप जो है अलग अलग पास्ट टाइम्स करने के लिए अवतरित होते हैं। विलास रूप मतलब के बलराम जी में से भी जितने एक्सपांशन निकलेंगे वो उनके फॉर्म्स और इमोशन अलग अलग होंगे। और विलास रूप के अंदर दो कैटेगरी आती है, प्राभव विलास, वैभव विलास। सो जब आप क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे तो हमने देखा था कि सबसे पहले कृष्णा में से बलराम जी आते हैं, बलराम जी में से फिर चार ये निकलते हैं, संकर्षण, प्रद्युम्न, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। तो ये इसको पहले इसको बोलते हैं आदि चतुर्व्यूह। सो ये आदि चतुर्व्यूह जो है प्राभव विलास कैटेगरी में आता है। जैसे इसमें तो आपको शायद तदेकात्म रूप, जैसे मैं इसमें बता रहा था कि भगवान कृष्ण से बलराम, बलराम जी में से चार विष्णु निकलते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। तो ये जो चतुर्भुज फॉर्म, चार एक्सपांशन जो है उसको बोलते हैं प्राभव विलास। ये वाला वासुदेव, संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न, इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रपल एक्सपांशन, मतलब आदि चतुर्विध एक्सपांशन। तो ये प्राभव विलास कैटेगरी में आएगा। और इसमें से जो संकर्षण विष्णु जो है उसमें से एक और नारायण निकलते हैं, और उस नारायण में से ये नारायण निकले, और उस नारायण में से दूसरे चार क्वाड्रपल निकलते हैं। तो ये हो गया वैभव विलास, प्राभव विलास, वैभव विलास। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सेम ही लगेगा, प्रद्युम्न, वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध। डिफरेंस क्या है कि ये जो वैभव विलास है इनकी पोटेंसी थोड़ी कम मैनिफेस्ट होती है, और प्राभव विलास में पोटेंसी थोड़ी ज्यादा मैनिफेस्ट होती है। तो ये डिफरेंस है, जस्ट पोटेंसी वाइज डिफरेंस है इनके अंदर। सो ये जो नारायण में से जो चार विष्णु निकले, हर एक विष्णु में से तीन तीन विष्णु निकलते हैं, अलग अलग, यू नो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरा एक्सप्लेन करते हैं कि हर एक विष्णु के पास जो शंख, चक्र, गदा, पद्म होता है उसका अरेंजमेंट अलग अलग होता है ना। एक विष्णु में शंख ऊपर होगा, चक्र नीचे होगा, गदा इधर होगा, पद्म ऊपर होगा, ऐसे अरेंजमेंट के हिसाब से ऐसे 24 अलग अलग विष्णु एग्जिस्ट करते हैं जो वैकुंठ में रहते हैं। सो ये सारे वो 24 विष्णु है। So, इस तरह से अगर आप ये देखेंगे तो ये प्राभव विलास और वैभव विलास, ये वाला हमने देखा। तो ये तदेकात्म रूप कैटेगरी में आते हैं। अब तदेकात्म रूप में एक स्वांश भी होता है। स्वांश मतलब भगवान के पर्सनल एक्सपांशन, स्वांश, स्व मतलब पर्सनल एक्सपांशन। तो वो छह कैटेगरी के होते हैं, उसके अंदर छह कैटेगरी होती है। उसका एक्रोनिम में ये याद रख सकते हैं, माय एलपीजीएस। सो स्वांश मतलब एम फॉर मनवंतर, मनवंतर अवतार, वाई फॉर युगा अवतार, एल फॉर लीला अवतार, पी फॉर पुरुषा अवतार, जी फॉर गुणा अवतार और एस फॉर शक्त्यावेश अवतार। सो मनवंत अवतार मतलब कि हर एक एक मनु में जो भगवान अवतरित होते हैं, हर एक एक मनु में अलग अलग भगवान के, हर मनु में एक एक भगवान का अवतार होता है। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु होते हैं, हमने लास्ट टाइम देखा था। सो उन 14 मनु में अलग अलग मनु, अलग अलग भगवान के अवतार आते हैं, उसको बोलते हैं मनवंत अवतार। हर कौन से मनु में कौन से अवतार आते हैं वो लिस्ट पूरा 8th कैंटो में आपको मिलेगा। और आपको अगर याद हो तो लास्ट क्लास में भी मैंने आपके साथ एक टेबल में शेयर किया था। सो इसमें यज्ञ, विभूति, सत्यसेन, हरि, वैकुंठ, अजीता, ये सारे मनवंतर में आते हैं। फिर युगा अवतार मतलब जो भगवान हर युग में लेते हैं, सत्युग में, द्वापर युग में, त्रेता युग में, कलयुग में, हर युग में अलग अलग कलर में आते हैं।
सतयुग में व्हाइट कलर में आते हैं, त्रेता युग में रेड कलर में आते हैं, द्वापर युग में ब्लैक कलर में आते हैं, कलयुग में द्वापर युग में डार्क ब्लू कलर में आते हैं, कलयुग में ब्लैक कलर में आते हैं कल के अवतार। सो ये युगा अवतार। फिर एल मतलब लीला अवतार। लीला अवतार जो अलग अलग भगवान पास टाइम करते हैं, जिसमें जो हमने लास्ट ये जो 22 अवतार के बारे में हमने पढ़ा जो लास्ट क्लास में, वो सारे लीला अवतार कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कुमार, नारद, वरा, मत्स्या, कल्कि, बुद्धा, कुर्मा, नरसिम्हा, ये सारे लीला अवतार में आते हैं। पी मतलब पुरुषा अवतार। पुरुषा अवतार मतलब जो हमने उससे पहले देखा, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, ये पुरुषा अवतार में से आते हैं। जी मतलब गुणा अवतार, जो तीन गुण से है, ब्रह्मा, फिर विष्णु और शिवा, ये तीन गुणा अवतार में। एलपीजी एस, एस मतलब शक्त्यावेश अवतार। शक्त्यावेश अवतार मतलब शक्ति आवेश जिसमें की भगवान ने अपनी शक्त्यावेश। तो भगवान अलग अलग जीवों के अंदर अपनी शक्ति आवेश करते हैं, तो बोलते हैं शक्त्यावेश अवतार। उसमें अलग अलग एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे नारद मुनि जो है शक्त्यावेश अवतार है। तो शक्त्यावेश अवतार जीव कैटेगरी है, बट भगवान की पोटेंसी फुली उसके अंदर होती है। तो एक नारद मुनि उसके एग्जाम्पल है, फिर चार कुमार उसके एग्जाम्पल है, बुद्धा अवतार उसके एग्जाम्पल है, कल्कि अवतार जो है शक्त्यावेश अवतार में आते हैं, चार कुमार शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। कभी कभी भगवान किसी जीव के अंदर अपनी शक्ति देते हैं, तो आचार्य के रूप में भी आते हैं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी शक्त्यावेश अवतार बोला जाता है, क्योंकि भगवान की पूरी पोटेंसी, रे ऑफ विष्णु उनको कहा जाता है, पोटेंसी उनके अंदर थी और उनके थ्रू उन्होंने प्योर डिवोशनल सर्विस को स्प्रेड किया। तो ये सारे शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। तो ये है स्वांश। राघव, वैभव, विलास, ये स्वांश हो गया, लीला अवतार। हनुमंतार, लीला अवतार। तो इस तरह से ये सारे अवतारों की कैटेगरी है। अभी एक बार आपने सुना, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, बट मैं एक और एक चार्ट आपको बता दूं, उससे थोड़ा और क्लियर होगा आपको। ये चार्ट मैंने एक बुक से लिया था, उसका मैंने जस्ट फोटोग्राफ ले लिया था, क्योंकि मैं जब लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो मुझे बुक बहुत दिखी और उसमें पूरा चार्ट बहुत सुंदर रूप से था, तो मेरे पास ये हार्ड कॉपी था, तो मैंने फोटो खींच लिया और ये फोटो मैंने अपने लैपटॉप में सेव किया है। सो ये भगवान का जो मैंने आपको बताया, ये पूरा चार्ट फॉर्म में, स्वयं रूप है ना, स्वयं प्रकाश, भगवान स्वयं रूप जो ओरिजिनल गावट बॉय है वो, उसमें से दो कैटेगरी आती है, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश। प्रभाव प्रकाश मतलब जो सेम फॉर्म, सेम मूड, सेम इमोशन में आते हैं। वैभव प्रकाश मतलब जो अलग फॉर्म, अलग मूड से आते हैं, जिसमें बलराम जी आते हैं। वैभव प्रकाश से तदेकात्म रूप आता है, उसमें दो कैटेगरी है, विलास और स्वांश। विलास में दो कैटेगरी, प्रभाव विलास जिसमें फर्स्ट चतुर्व्यूह क्वाड्रपल एक्सपांशन होते हैं, और दूसरा वैभव विलास जिसमें सेकंड चतुर्व्यूह, द्वितीय चतुर्व्यूह, प्रद्युम्न वासुदेव, प्रद्युम्न संकर्षण, अनिरुद्ध। सो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये फुली पोटेंट है, ये पार्शियली पोटेंट है। और स्वांश तदेकात्म रूप में दूसरा कैटेगरी स्वांश, जिसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया माई एलपीजीएस। और तीसरा है आवेश रूप। आवेश रूप मतलब शक्त्यावेश अवतार। सो इस ऐसा नहीं, जैसे कि भगवान का कोई भी एक अवतार है तो ऐसा नहीं बोला जाएगा कि वो अवतार कोई एक कैटेगरी में आता है। ऐसा भी होता है कि एक ही अवतार है बट उसके अलग अलग कैटेगरी में आता है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कल्कि अवतार जो है वो लीला अवतार की लिस्ट में भी है, बट शक्त्यावेश अवतार की लिस्ट में भी है।
अगर आप इसको देखेंगे तो एक पर्टिकुलर अवतार को एक कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते, उसके पास बहुत सारे दूसरे दूसरे फंक्शंस क्वालिटीज होती है। तो ये पूरा साइंस है भगवान के इंकारनेशन का। खाली दशा अवतार जो हम सारा दिन बोलते हैं, दशा अवतार ही नहीं है भगवान के। कई लोग ऐसा मतलब दशा अवतार मतलब बस उतना ही होता, अनलिमिटेड समुद्र में कितने वेव्स जनरेट होते हैं हम काउंट नहीं कर सकते, उतने अवतार है भगवान के। एक दिन में समुद्र में कितने वेव्स जनरेट हो सकते हैं, वी कैन नॉट काउंट। उसी तरह भगवान के इतने अवतार हैं हम काउंट नहीं कर सकते, बट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे आचार्य ने ये चार्ट के फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया है सारे अवतारों को। सो ये एते चाम से कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस श्लोक में ये बताया है। परपोर्ट में प्रभुपाद बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं कि भगवान कृष्णा और भगवान कृष्णा के अवतार, भगवान कृष्णा के अंदर टोटल 64 क्वालिटीज हैं, 64 क्वालिटीज। उसका भी मेरे पास एक है चार्ट में, एक मिनट ये जो आप देख रहे हैं 64 क्वालिटीज, ये फर्स्ट क्वालिटी है और लास्ट 64 क्वालिटीज। सो कृष्णा जो ओरिजिनल कृष्णा स्वयं रूप जो गोलोक वृंदावन में कावर्ड बॉय के रूप में रहते हैं, उनके अंदर ये 64 की 64 क्वालिटीज दिखती है। सो ये सारी क्वालिटीज रूप गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ डिवोशन के अंदर एक्सप्लेन किया है, भक्ति रसामृत सिंधु के अंदर सारी 64 क्वालिटीज का डिटेल, मतलब समरी और डिटेल दोनों अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो जैसे ब्यूटीफुल बॉडली फीचर, ऑस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक, प्लीजिंग, एफल्जेंट, स्ट्रॉन्ग, एवर यूथफुल, इसमें जो फर्स्ट 50 क्वालिटीज है वो सब हमारे अंदर भी है बट बहुत माइन्यूट फॉर्म में। और जो ब्रह्मा जी है वो जीव कैटेगरी में आते हैं, हम भी जीव कैटेगरी में आते हैं। तो जीव जो है भगवान के 78% गुण जीव के अंदर होते हैं। प्रभुपाद परपोर्ट में भी लिखते हैं ये पॉइंट, इसी श्लोक के परपोर्ट में, कि हम जो जीव है हमारे अंदर 78% क्वालिटीज है भगवान की। इसका मतलब जो जीवात्मा है वो 78% भगवान बन सकता है, 100% भगवान नहीं बन सकता। पूरी भक्ति करके अच्छे से वो 78% कृष्णा जैसी क्वालिटीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो 64 का 78% करें तो 50 आता है राउंड अबाउट। तो फर्स्ट 50 क्वालिटीज जो है वो सारी हमारे अंदर भी है ब्रह्मा जी, और हम अपनी साधना भक्ति से ये सारी 50 क्वालिटीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं बरकोट में कि जिसके अंदर ये सारे 50 क्वालिटीज, मतलब ये 78% क्वालिटीज पूरे फुल वे में मैनिफेस्ट होती है, तब वो गोलोक वृंदावन में एंटर हो सकता है, तब तक वो नहीं हो सकता। ये परपोर्ट के लास्ट लाइन में लिखते हैं प्रभुपाद, ये 50 क्वालिटीज हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर मैनिफेस्ट होगी जब हम प्योर डिवोशनल सर्विस प्रैक्टिस करेंगे, अच्छी साधना रखेंगे, अच्छा श्रवण अध्ययन रखेंगे, अच्छे भक्तों का संग करेंगे, तो ग्रेजुअली ये हम क्वालिटीज मैनिफेस्ट कर पाएंगे। 50 के बाद जो 51 से लेके 54 जो चार क्वालिटी दूसरी जो है वो पाई जाती है शिव जी के अंदर, भगवान शिव के अंदर, क्योंकि शिव जी ना जीव तत्व में आते हैं ना विष्णु कैटेगरी में आते हैं, वो जीव और विष्णु के बीच में आते हैं। तो वो चार क्वालिटीज ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली शिव जी की कैटेगरी में आती है, चेंजलेस, ऑल कॉग्निसेंट, एवर फ्रेश, सच्चिदानंद विग्रह। तो हम चेंजलेस नहीं है, हम चेंज हो जाते हैं, बट शिव जी चेंज नहीं होते, चेंजलेस। सो ऑल कॉग्निसेंट मतलब ऑल नोइंग। तो ये
शिव जी की कैटेगरी में, मतलब शिव जी जो है वो 84% क्वालिटीज है कृष्णा की उनके अंदर, जीव के अंदर 78% है, शिव जी के अंदर 84% है, 84% मतलब राउंड अबाउट 54 हो जाता है, और क्वालिटी नंबर 55 से लेके 60 तक वो विष्णु के अंदर पाई जाती है, मतलब पहली 60 क्वालिटीज विष्णु के अंदर, पहले 54 क्वालिटीज शिव जी के अंदर। विष्णु यानी कि नारायण जो वासुदेव शंकर प्रद्युम्न अनिरुद्ध जो हमने वो पूरा पढ़ा, वैभव प्रकाश प्रभाव प्रकाश जो भी, सो ये सारी क्वालिटीज विष्णु के अंदर पाई जाती है। जैसे कि 57 नंबर आप क्वालिटी पढ़ें तो उसमें देखता है हिज बॉडी जनरेट्स इन्यूमरेबल यूनिवर्सेस, तो वो महाविष्णु। फिर 56 नंबर क्वालिटी इनकंसीवेबल पोटेंसीज, फिर 60 नंबर है अट्रैक्ट लिबरेटेड सोल्स, 59 है गिव सल्वेशन टू द एनिमीज, ठीक है जिनको भी वो मार दे उनको मुक्ति दे देते हैं, उनके हाथ जो भी मरता है वो मुक्त हो जाता है। तो ये 60 क्वालिटीज विष्णु के अंदर पाई जाती, तो चार ये 60 क्वालिटीज कृष्णा के अंदर भी है, प्लस चार एक्सक्लूसिव क्वालिटीज जो एक्सक्लूसिवली कृष्णा के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है, कोई दूसरे इंकारनेशन के अंदर नहीं है, बलराम जी के अंदर भी नहीं है, ओनली एंड ओनली कृष्णा। तो बताते हैं रूप माधुरी, मतलब कृष्णा के पास एक्सक्यूजिटिव ब्यूटी है, बहुत ही सुंदर है, रूप माधुरी बोलते हैं उसको। फिर लीला माधुरी, मतलब बहुत सारी लीलाएं करते हैं भगवान, लीला माधुरी। फिर वेणु माधुरी, मतलब कृष्णा के पास फ्लूट है जो बजाते हैं और सभी डिवोटीज और काउस को अट्रैक्ट करते हैं इन वृंदावन। तो जैसे भगवान विष्णु के पास फ्लूट नहीं है, सो वेणु माधुरी उसको बोलते हैं। और चौथा है कि वो भक्तों के संग में रहते हैं, अपने उन भक्त जिन जो भगवान से एक्सक्लूसिव प्रेम करते हैं उनके हमेशा उनके आसपास रहते हैं, सराउंडेड बाय लविंग डिवोटीज, और उनके साथ पास टाइम करते हैं। सो ये चार एक्सक्लूसिव क्वालिटीज हैं जो सिर्फ भगवान कृष्ण के ऊपर के अंदर हमें प्राप्त होती है, और ये चार क्वालिटीज के ऊपर हजारों सेमिनार्स हमारे डिवोटीज ने दिए हैं, चार इन चारों क्वालिटीज के ऊपर, एक्सक्लूसिव जो कृष्णा के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। सो ये चार क्वालिटी डिफ्रेंशिएट करती है कृष्णा और बाकी एक्सपांशन से, वेणु माधुरी, चौथा कौन सा माधुरी है, हाँ वो हाँ, पर उसको कौन सा माधुरी बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, भक्त माधुरी है ऐसा कुछ बोलते हैं, वो याद नहीं है। तो ये चार नो क्वालिटीज है, सो ये 64 क्वालिटीज रूप गोस्वामी हर एक क्वालिटी को लेते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं, और उस क्वालिटी से कनेक्टेड कृष्णा ने कौन सी पास्ट टाइम प्ले की, कौन से पास्ट टाइम में कौन सी क्वालिटी डिस्क्राइब की, वो एक्सप्लेन करते हैं बहुत ही अच्छे रूप से। तो ये परपोर्ट में प्रभुपाद इस विषय पे लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें लिखते हैं कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एक रूम में एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है उसमें से लाइट आ रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बल्ब में से लाइट आ रही है तो इलेक्ट्रिक पावर हाउस जो है उसमें इतना ही खाली रोशनी है, ऐसा नहीं है। वो इलेक्ट्रिक पावर से एक बड़ा हैलोजन भी जलाया जा सकता है और एक बल्ब भी जलाया जा सकता है। तो उसी तरह भगवान के जो अलग अलग जो इंकारनेशंस हैं वो एक पर्टिकुलर पावर को ही डिस्प्ले करते हैं, कृष्णा के सारे पावर्स डिस्प्ले नहीं करते, एक पर्टिकुलर पावर को ही डिस्प्ले करते हैं, जितना उस समय और उस सिचुएशन में जरूरत होती है उतना ही डिस्प्ले करते हैं। तो कृष्णा वो बड़े पावर हाउस है और जितने दूसरे इनकारनेशंस हैं वो सब एक कोई बल्ब है, कोई हेलोजन है, कोई ट्यूबलाइट है ऐसा, तो जितना उस फंक्शन के लिए रिक्वायर्ड है उतना वो डिस्प्ले करते हैं। तो ये एनालॉजी प्रभुपाद इस परपोर्ट में एक्सप्लेन करते हैं। और फिर
ये भी बताते हैं इस परपोर्ट में कि दैट द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फीचर एग्जिबिटेड बाय लॉर्ड कृष्णा वाज हिज इंटरनल एनर्जेटिक मैनिफेस्टेशन ऑफ हिज पास्ट टाइम विद द कावर्ड गर्ल्स हिज पास्ट टाइम विद गोपीज आर ऑल डिस्प्ले ऑफ ट्रांसेंडेंटल एग्जिस्टेंस ब्लिस एंड नॉलेज ऑल्दो दीज आर मैनिफेस्टेड apparently as sex love, the specific attraction of his pastime with gopis should never be misunderstood. The Bhagavatam relates these transcendental pastimes in 10th canto. And in order to reach the position to understand the transcendental nature of Krishna's pastime with gopis, Bhagavatam promotes the students gradually in 9 other cantos. तो भगवान कृष्ण की जो रासलीला पास टाइम है उसको समझने के लिए हमें पहले 9 स्कंद को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. पहले 9 स्कंद में पढ़ते पढ़ते इतने हमें हथौड़े पड़ेंगे कि समझ जाएंगे कि कृष्ण ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है, उनकी डीलिंग्स ऑर्डिनरी नहीं है, उनके एसोसिएट्स ऑर्डिनरी नहीं है. तो जब हम कृष्ण और उनकी गोपीज के साथ जो पास टाइम जब हम पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में हमेशा यही आता है कि एक ऑर्डिनरी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का इंटरेक्शन है. पर ये देखेंगे आप कि भाई अवतारों का कितना डिटेल एक्सप्लेनेशन है, कितना साइंटिफिक वे से समझा है कृष्णा के इतने सारे अवतार हैं और एक अवतार का एक पर्टिकुलर फंक्शन है, तब हम धीरे धीरे कन्विंस होते हैं कृष्णा इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी. और 9 स्कंद में हमें हर बार यही बताया जाएगा कृष्णास्तु भगवान सेन, कृष्णास्तु भगवान सेन, कृष्णा इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड इट. तो इस तरह से इसमें बताया. और या और फिर वही स्वयं प्रकाश तदेकात्म प्रभाव है वह ये पूरा इसके अंदर एक्सप्लेन करते हैं. तो टेक्स्ट 29 में इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं कि जो इन अवतारों के विषय में पढ़ता है उसको क्या बेनिफिट होता है. टेक्स्ट 29 में जन्म गुयम भगवतो य एतत् प्रयतो नरा सायं प्रातर गृणन भक्त्या दुख ग्रामद विमुच्यते. जो कोई भी भगवान के गोया अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है. फलश्रुति बोलते हैं इसको कि जो इन सभी अवतारों का ध्यान पूर्वक सावधानी पूर्वक सुबह शाम जो इसको पढ़ता है वो सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं. सो गीता में भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं योवेति तत्वता एवं योवेति तत्वता. कि जो मेरे जन्म और मेरे कर्म को जो समझ जाता है तत्व के रूप में त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म, जब वो फिर शरीर त्यागता है त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नाम मामे त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाम मामेति सो तत्व. वो शरीर छोड़ने के बाद फिर से इस भौतिक संसार में नहीं आते हैं, मतलब सारे दुखों से वो छूट जाता है. तो परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं कि केवल इसको समझने से, केवल इसको पढ़ लिया हमने वो काफी नहीं है, गहराइयों में उतरना पड़ेगा हमें. वी हैव टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज एंड ओनली बाय दोज हु केयरफुली ट्राई टू गो डीप इन टू द मैटर बाय स्पिरिचुअल डिवोशन इज द मिस्ट्री डिस्कवर्ड. तो ये रहस्य है भगवान के जो जन्म और भगवान के जो कर्म है, भगवान की बर्थ और भगवान की एक्टिविटीज जो है वो सारे एक रहस्य है. तो ये रहस्य को जब तक हम गहराई से नहीं समझेंगे तब तक हम भगवान की इन मिस्टीरियस पास्ट टाइम्स को नहीं समझ पाएंगे. सो यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं प्रभुपाद परपोर्ट में कि उसको हमें सिंसियरिटी डिवोशन के साथ पढ़ना है, ना कि सुपरफिशियली जस्ट पढ़ लिया हमने. सो लास्ट में लिखते हैं कि लॉर्ड्स बर्थ एंड एक्टिविटीज आर ऑल ट्रांसेंडेंटल, अदरवाइज सिंपली बाय रिसाइटिंग देम वन कैन नॉट वन कुड नॉट अटेन लिबरेशन. दे आर देयरफॉर मिस्टीरियस एंड दोज हु डू नॉट फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड रेगुलेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस आर नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू द मिस्ट्रीज ऑफ हिज बर्थ एंड एक्टिविटीज.
तो इसलिए भक्ति के रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना बहुत आवश्यक है अगर हमें भगवान की लीलाओं के अंदर एंटर होना है। तो भगवान की लीलाओं में एंटर होना ये हमारा अल्टीमेट गोल है। जैसे प्रभुपाद एग्जाम्पल देते हैं, अगर हमें फायर के अंदर एंटर होना है तो हमें फायर की क्वालिटीज होनी चाहिए, नहीं तो हम जल जाएंगे अगर हमने फायर की क्वालिटीज नहीं आई तो। उसी तरह अगर हमें भगवान की लीलाओं में एंटर होना है तो हमें भगवान जैसी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। भगवान की रास लीला में एंटर होना है तो हमें वैसी क्वालिटीज डेवलप करनी पड़ेगी। तो एक डिवोटी बता रहे थे कि रास लीला के अंदर लक्ष्मी जी को भी एंट्री नहीं मिलती है, भगवान शिव को भी एंट्री नहीं मिलती है, इसलिए वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में अभी भी वो है और ये एस्पायर कर रहे हैं कि मैं भी रास लीला में एंटर हूँ। बट जिसके अंदर थोड़ा सा टिंज ऑफ लस्ट भी है वो एंटर नहीं हो सकता इन रास लीला बास्टिंग। बहुत बहुत स्पेशल सोल्स के लिए है वो। इवन ऐसा भी हमारे आचार्य बताते हैं कि कुछ गोपियों को भी कुछ गोपियां थी ऐसी वृंदावन में जिनको अलाउ नहीं किया था भगवान ने टू एंटर रासलीला। तो वो गोपीस ने सेपरेशन में अपना शरीर त्याग दिया और फिर से उनको जन्म मिला वृंदावन में ही किसी गोपी के घर में और तब वो एंटर हुए। तो इतना प्योरिफिकेशन चाहिए। ब्रह्मा जी को अलाउड नहीं है, शिव जी को अलाउड नहीं है, भगवान लक्ष्मी को अलाउड नहीं है इवन टू एंटर रासलीला। उसके लिए एकदम प्योर हार्ट चाहिए, 0% सेंस ग्रेटिफिकेशन, 0% लस्ट, 100% प्योर, तभी हम रासलीला में एंटर हो सकते हैं। अगर अदरवाइज क्या होगा, हम फिर भगवान की रासलीला में डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे। रादर देन असिस्टिंग कृष्णा हम गोपियों को छेड़ेंगे और फिर लीला में पूरा डिस्टरबेंस होगा और भगवान को डिस्टरबेंस। भगवान की शक्तियां इतनी परफेक्टली काम करती है कि वो किसी भी अनक्वालिफाइड व्यक्ति को एंटर नहीं होने देती, क्योंकि उन्हें पता है भगवान को कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। कृष्णा इज टोटली इन एंजॉइंग मूड, तो इनके एंजॉइंग मूड को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है और हमारे अंदर वो सर्वेंट वाला मूड, फ्री फ्रॉम ऑल अनर्थास वाला मूड वो कल्टीवेट करना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु विशेष लोगों के साथ ही ये पास टाइम डिस्कस कर देते हैं, सबके साथ नहीं। सो इस तरह से ये भगवान के इनकारनेशंस के ऊपर है। श्लोक नंबर 30 से लेके 34 तक, 30 से 34 तक भगवान का जो विराट रूप है, जो विश्वरूप दर्शन जो दिखाया था अर्जुन को, उसके विषय में थोड़ा डिस्क्रिप्शन आता है, वो हम नेक्स्ट टाइम इसको चर्चा करेंगे। यस, सो किसी का कोई प्रश्न है, कोई क्वेश्चंस, या कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं, कोई पॉइंट्स तो पूछ सकते हैं। यस विशाल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। प्रभु जी, जैसे आपने बताया शिव जी और लक्ष्मी जी के बारे में और ब्रह्मा जी के बारे में, तो प्रभु जी शिव जी हमेशा रिसाइट करते थे भगवान का नाम। हमारे धर्म हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि ही इज परम वैष्णव। लक्ष्मी जी जो है वो पाद सेवनम करती थी एंड वो भी बहुत हार्टफुल उनकी सेवा करती थी। तो प्रभु जी मतलब हम कंपेयर तो कर नहीं सकते, तो प्रभु ये इतने क्वालिफाइड हैं हमारी नजरों में फिर भी उनको नहीं मिली ना एंट्री, वही जो हाँ पॉइंट है। सो क्यों नहीं मिली एंट्री? बिकॉज जैसे फॉर एग्जांपल लक्ष्मी का उदाहरण ले तो भगवान लक्ष्मी जो है, सॉरी लक्ष्मी देवी जो है, वो भगवान के सेवा करती है भगवान की, बट ऐश्वर्य भाव में करती है वो सेवा, ऑपुलेंट मूड से वो सेवा करती है। जबकि वृंदावन में जो गोपीस थी वो भगवान की स्वीट पास टाइम्स मतलब माधुर्य भाव से सेवा करती थी। जब लक्ष्मी को बोला गया कि आप ठीक है, आपको अगर रासलीला में एंटर होना है तो आपको एकदम सिंप्लिसिटी, ये सब गहने और ये सब ऑपुलेंट साड़ियां ये सब त्यागना पड़ा, तो त्यागना पड़ेगा आपको, तो वो एग्री नहीं थे उसके लिए। बिकॉज उस उनका मूड ही ऐसा था कि टू सर्व सुप्रीम लॉर्ड इन ऑपुलेंस, तो क्या किया जाए, वो अपने मूड को चेंज नहीं कर पा रही थी। तो
तो इसलिए लक्ष्मी जी अभी भी तपस्या कर रही है वृंदावन का एक फॉरेस्ट है काम्या वन में, ताकि उनको, क्योंकि लक्ष्मी देवी को ही पता है कि कृष्णा है सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड और उनके इस लास्ट लीला में मुझे भी एंटर होना है, बट वो अभी तपस्या कर रही है अभी भी टू गेट दैट मर्सी कि उन्हें भी उस रासलीला में एंटर होने मिले। सो जैसे शिव जी है, भगवान शिव है, वो भी तपस्या में लगे हैं, वो भी कंटिन्यूअस प्रे कर रहे हैं कि उनको भी ये एक फॉर्म मिले ताकि रासलीला में वो एंटर हो सके। सिमिलरली नारद मुनि भी तपस्या कर रहे हैं, तो नारद गोपी एक है जो भगवान के रासलीला में है। सो इस तरह से भगवान के पास टाइम्स में भगवान के पार्षद बन के एंटर होना कोई साधारण सामान्य बात नहीं है, प्योर डिवोशन चाहिए। और वो जो रासलीला में भगवान जो डीलिंग्स करते थे गोपी के साथ, वो लव को डिस्ट्रीब्यूट करने चैतन्य महाप्रभु आए इस कलयुग में, और हम जैसे लोएस्ट जीव को वो टॉप मोस्ट गिफ्ट देने के लिए आए हैं, जो शिव जी और लक्ष्मी जी और ब्रह्मा जी और नारद जी को भी नहीं मिल रहा है। तो वो चैतन्य महाप्रभु के जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर गिफ्ट है, वो कलयुग में अभी 500 साल पहले ही आके गए और हम सबको गिफ्ट दे रहे हैं। क्या आप ये हरे कृष्ण मंत्र का चैंट करो ऑफेंसलेसली, डिवोटीज को सर्व करो प्राइडलेसली, तो आपको वही सेम गिफ्ट मिलेगा। तो ये सुन के ब्रह्मा शिव नारद लक्ष्मी ये सब लोग चौंक गए हैं अभी भी कि कलयुग के जीवों को ये गिफ्ट मिल रहा है पर हमें नहीं मिल रहा ये। सो ये गिफ्ट देने चैतन्य महाप्रभु आए स्पेशली हम जैसे सोल्स को वो रासलीला पास टाइम में एंटर करवाने के लिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु को बोला गया नमो महावदन न्याय, मोस्ट 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 मर्सीफुल इनकारनेशन, जो गोलोक वृंदावन का टॉप मोस्ट गिफ्ट देने के लिए आए हैं। किसको? जो टॉप मोस्ट फॉलन सोल्स हैं उनको, ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसलिए चैतन्य चैतामृत के अंदर भी परिभाष सूत्र श्लोक आता है जिसमें यही डिस्क्राइब किया है। सो कृष्णा राधा रानी के साथ मिलके चैतन्य महाप्रभु के फॉर्म में आए और ये गिफ्ट देने आए। सो इस तरह से ठीक है विशाल ब्रू, और कुछ? यस प्रभु जी, ओके। यस मुकेश प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअल में यह विषय जो था, मैं इस विषय के बारे में समझ नहीं पाता था जब भी पढ़ता था, जो स्वयं रूप, क्योंकि गोलोक चार्ट में भी एक साइड में जो है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो वो मुझे समझ में नहीं आता था कि प्रथम जो आपने प्रभाव जो विलास बताया उन सब के बारे में। और जब मैं इसका तात्पर्य भी पढ़ रहा था इस है ना श्लोक का, तो मुझे बहुत कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन आपने जिस तरीके से अभी बताया है तो समझ लीजिए मुझे एक लाइट मिल गई है। जैसे कि टॉर्च अंधेरे में जैसे टॉर्च दिखाते हैं तो कुछ लाइट मिलती है, तो कुछ कुछ चीजें समझ में आ गई हैं कि हाँ इसका ये हो सकता है आगे मैं अध्ययन करूं तो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। हाँ, इसमें एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी इन द सेंस, मुझे बहुत इस बात की कन्विक्शन पता चली, जैसे कि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी लिखा कि भगवत गीता में भगवान ने स्वयं को बताया बार बार कि मैं भगवान हूँ, है ना, स्वयं मैं भगवान हूँ। प्रभुपाद जी ने ये चीजें, आज जब मैं पढ़ रहा था इस तात्पर्य को, तो वो भी मुझे क्लिक कर रही थी कि ये ऐसे प्रभुपाद जी ने ऐसे लिखा है, ये बात क्या है। लेकिन जैसे ये श्लोक आपने जिस प्रकार से शुरू से ही डिस्क्राइब किया, भगवान स्वयं श्री कृष्ण ही पूर्ण भगवान है, तो उससे अब इतनी कन्विक्शन भगवत गीता को फिर से पढ़ने के लिए मुझे मिल गई है कि इसको मैं फिर से नए तरीके से पढ़ूंगा तो कितना ये लगेगा कि भगवान ने अपने आप को कितनी जगह पे बताया कि मैं स्वयं मेरे शरण में आओ। तो ये चीजें प्रभु जी भागवतम पढ़ रहे हैं तो और क्लैरिटी मिल रही है, यानी भागवतम से अब भगवत गीता की ओर अगर जाएंगे तो अब बहुत क्लैरिटी के साथ में जो है भगवत गीता और भी समझ में आएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इतने अच्छी तरीके से बताया है,
और मैं जो है इसको और समझने की कोशिश करूंगा, अगर कुछ कंफ्यूजन होगी तो जरूर आपसे इंटरेक्ट करूंगा प्रभु। डेफिनेटली, हमेशा आपकी सेवा में हम जी। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस करण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, शिव जी में तो वो क्वालिटी है ना, मतलब शिव जी तो वो अपने सर्व करते हैं तो भी वो मतलब वो उनके पास तो वेल्थ नहीं है ना, वो तो उनको चांस तो मतलब मिलता भी होगा ना, मतलब आपने बताया कि नहीं, मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अभी भी आप वृंदावन जाएंगे गोपेश्वर महादेव के रूप में अभी भी वेट कर रहे हैं कि कब मेरे को चांस मिलेगा, बट आप जा सकते हैं उनसे पहले अगर आप चैतन्य महाप्रभु को अच्छे से फॉलो करेंगे तो। वो बात है, पर मैंने एक बार वही देखा था कि वो लीला स्थान है वहां पे उनको एंट्री नहीं मिली थी वो उस टाइम। हाँ। तो उस टाइम क्या था कि आपको गोपी बनना पड़ेगा, तो उन्होंने जो गोपी बनने के लिए जो श्रृंगार चाहिए वो यमुना जी से लिया था। एक कुंड में जाते हैं उधर स्नान करते हैं और जैसे बाहर निकलते तो गोपी के फॉर्म में आते हैं। हाँ, वो यमुना जी से मांगते हैं उनको, अगर गोपी बने रहेंगे तो फिर ये यूनिवर्स का डिस्ट्रक्शन जब करना होगा तब कौन करेगा। हाँ वो, और उनकी वो सेवा, उनकी जो सेवा है वो सेवा वो कर ही रहे, उनको जस्ट थोड़े टाइम के लिए एंट्री मिला था क्योंकि शिव जी का स्पेशल, भगवान को शिव जी के प्रति एक स्पेशल लगाव और अट्रैक्शन है, तो कुछ टाइम के लिए मिला था। सो शिव जी अभी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो अभी आपने मुझे सेवा दी है यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने की, तो वो डिस्ट्रॉय होने के बाद मुझे फिर से वो गोपी वाला फॉर्म चाहिए, अब मेरे को फिर से शिव जी नहीं चाहिए कोई दूसरे फॉर्म में, तो आपके साथ वो पास्ट टाइम में ही मुझे रहना है। तो उसके लिए वो विशेष तपस्या कर रहे हैं कि ये जब यूनिवर्स का खत्म होगा, जब वो उसका वेट करेंगे फिर वो जाएंगे और हम उनसे पहले पहुंच सकते हैं। मैंने वृंदावन वासी से एक था उनसे ही ये लीला सुनी थी कि वो उनको एंट्री मिली बाद में, पर जैसे ही उनको गोपेश्वर नाम से संबोधित किया गया तो राधा रानी नाराज हो गई कि गोपी का ईश्वर तो मैं हूँ, ये नई गोपी आके ईश्वर कैसे बन गई। तो राधा रानी मतलब रूठ गई और वहां से चली गई। तो उसके वो ये पास्ट टाइम मैंने नहीं सुनी है इसलिए मुझे पता नहीं कितना ऑथराइज्ड है, आई हैव टू कंफर्म दिस। ऐसा तो उनके मान में वो मानसरोवर है भी वृंदावन में, मैंने ऐसा सुना था, मैं ऑथराइज मैं भी नहीं कह सकता। नहीं, मानसरोवर और मान लीला जो लीला स्थली जो बरसाना में आता है वो उसकी स्टोरी पूरी अलग है, उससे इससे कुछ कनेक्शन नहीं है उसका। तो मतलब मैंने भी इतना श्योर नहीं, ऊपर मैंने इतना सुना था, मुझे पता है। यस यस, वो पूरी अलग स्टोरी है और बहुत अच्छी स्टोरी है, मान लीला जो राधा रानी ने किया था कृष्णा के साथ वो पूरा अलग है। यस ओके, जो तो कोई हरे कृष्ण कोई बात। यस खुशबू माता जी, हरे कृष्णा प्रभु। आपने बताया कि शिवजी चेंजलेस है तो हम चेंज होते हैं, शिवजी चेंज नहीं होते, तो इसलिए उनको ऐसा कहा गया है कि उनका कोई आरंभ नहीं और उनका कोई अंत नहीं है। हाँ यस, एक्चुअली शिवजी का कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, ऐसे देखें तो जीवात्मा का भी कोई बिगनिंग नहीं है, एंड नहीं है, बट क्योंकि हम इस कंडीशन बॉडी के अंदर है जो चेंज होते रहता है ना, पहले इसका जन्म होता है, फिर एज बढ़ता है, फिर बुढ़ापा होता है और फिर डेथ होता है, तो ये सारे चेंजेस विकार आते रहते हैं, बट शिव जी के अंदर ये चेंजेस नहीं आते हैं, ये पॉइंट है। ओके थैंक यू। यस, और कोई प्रश्न है, किसी को कुछ कहना हो या कुछ